उदाहरण सहित दृष्टांत कौशल, यानी कि स्किल ऑफ इलस्ट्रेटिंग विद एग्जांपल्स। तो उदाहरण सहित दृष्टांत कौशल के कुछ माध्यम हैं, मीन्स हैं, पहले वो देख लेते हैं। इसमें पहला माध्यम है शाब्दिक माध्यम, इसको कहेंगे वेरिएबल मीन्स, और उधर अशाब्दिक माध्यम वो कहलाएगा नॉन वेरिएबल मीन्स। तो अशाब्दिक माध्यम में दो तरह की विधियाँ आती हैं, आगमन विधि इंडक्टिव मेथड और निगमन विधि डिडक्टिव मेथड। जैसा कि उदाहरण सहित दृष्टांत कौशल है, तो ये उदाहरण सहित दृष्टांत कौशल में आप किसी भी क्लास में जाएं, बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं, तो वहाँ पे आप पाठ शुरू करने के पहले कुछ उदाहरण वगैरह बताएं। तो उदाहरण सहित दृष्टांत कौशल का मतलब ये है कि पाठ पढ़ाते पढ़ाते आप बच्चों को कुछ उदाहरण दे के समझाएं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें उनके समक्ष रखें, उसके सामने रखें कि आप वास्तविक चीज़ें लाना क्लास में मुमकिन नहीं रहता है, तो कुछ कृत्रिम चीज़ें, बनाई हुई चीज़ें अपन यहाँ ले आएँ क्लास में, बच्चों को दिखाएं, उसके अनुसार अपन पढ़ाएं। तो यहाँ पे देखें कि शाब्दिक माध्यम में आगमन विधि है, तो आगमन विधि में जो इंडक्टिव मेथड है, इस मेथड से यदि आप कोई भी पाठ या कोई भी संप्रत्यय या सिद्धांत, तो कुछ भी जैसे आप पाठ पढ़ा रहे हैं, तो सबसे पहले उस पाठ में क्या करना है, आपको उदाहरण देना, ठीक है, उदाहरण देना है। यदि आप आगमन विधि से पढ़ा रहे हैं, मतलब आप जो भी पाठ से संबंधित, कुछ भी आप पाठ पढ़ा रहे हैं, उस पाठ से संबंधित आपको क्या कहना है, उदाहरण देना है। उदाहरण कैसे देना है, कोई कहानी, कविता या गीत के माध्यम से, या कुछ वस्तुएं आप पूछें उस पाठ से संबंधित, और एक उदाहरण बताएं, फिर उदाहरण के बाद आपका संप्रत्यय या आपका पाठ शुरू करें। तो ये कौन सी मेथड कहलाएगी आपकी, इंडक्टिव मेथड। सेकंड निगमन जो विधि है आपकी, निगमन विधि डिडक्टिव मेथड है। इस मेथड में क्या करना है, आपको पहले पाठ पढ़ाना है या सिद्धांत की शुरुआत, या थोड़ा सा पाठ पढ़ा देना है, या हिंदी पढ़ा रहे हैं तो कोई भी कहानी कविता दोहे पढ़ा देना है, उसके बाद आपको कोई कहानी या उसका उदाहरण उस पाठ से संबंधित दे के बच्चों को समझाना है। तो ये कौन सी विधि कहलाएगी, निगमन विधि। तो आगमन विधि में पहले क्या करना है आपको, उदाहरण देना है, उसके बाद समझाना है, पाठ को पढ़ाना है, और इधर भी क्या करना है, पहले पाठ पढ़ाना है, फिर उदाहरण देना है, समझाना है, फिर उसके बाद आगे पढ़ाना है। तो ये दो मेथड है, कौन से माध्यम में, शाब्दिक माध्यम में, आगमन विधि और निगमन विधि। अब इधर अशाब्दिक की बात करें, तो अशाब्दिक में देखें कि ये जो अशाब्दिक माध्यम है, नॉन वेरिएबल मीन्स, इसमें अशाब्दिक माध्यम में जैसे वास्तविक वस्तुएं हैं, रियल आइटम है, वास्तविक वस्तुओं में आप क्या ला सकते हो, जैसे आप कोई भूगोल, सामाजिक विज्ञान या कोई दूसरे सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, उसके लिए ओरिजिनल चीजें लाना मुमकिन ना हो तो अपन क्या ला सकते हैं, इसके अंतर्गत आप क्या ला सकते हो, वास्तविक वस्तुओं में, जैसे मॉडल वगैरह ले आओ, तो मॉडल दिखा के आप जैसे कुछ पवन चक्की के बारे में पढ़ा रहे हो तो एक मॉडल दिखा दो उसको से संबंधित, और उसके हिसाब से पढ़ाओ। कुछ चित्र बता रहे हो, जैसे किसी की जीवनी पढ़ा रहे हो तो उसके कोई महापुरुषों के चित्र वगैरह हैं वो दिखा के, या कोई साइंस से संबंधित कोई रिलेटेड चीज़ें आप पढ़ा रहे हो तो उसका चित्र ले आओ यहाँ पे, और बच्चों को दिखाकर उनको समझाकर पढ़ाओ, या बोर्ड में, ब्लैक बोर्ड में भी आप, वाइट बोर्ड में भी आप चित्र बना के बच्चों को समझा सकते हो। इसी तरह से मानचित्र, रेखाचित्र है, तो ये मैप या जो ड्राइंग है जिन सब्जेक्टों में यूज होती है, उन चित्रों के मानचित्र या रेखाचित्र आप लेकर आए, बच्चों के समक्ष रखें, उनको दिखवाएं, उनको दिखा के आपकी थ्योरी के साथ साथ ये चित्र दिखाकर उनको आगे का पाठ समझाते जाएं। अब प्रायोगिक प्रदर्शन में एक्सपेरिमेंटल डेमोंस्ट्रेशन है, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें आप प्रयोग करते हुए दिखाएं और बच्चों को पढ़ाते जाएं। तो कहने का तात्पर्य है कि उदाहरण से दृष्टांत कौशल में आपको जो भी पाठ पढ़ाना है, वो पाठ पढ़ाते पढ़ाते आप या तो पहले उदाहरण दें, कोई चीज़ें उनको दिखाएं, और फिर आप पाठ की शुरुआत करें, या पाठ की शुरुआत या सिद्धांत आप पढ़ा देते हैं तो उसके बाद आप उदाहरण बताएं। तो ये होता है उदाहरण से दृष्टांत कौशल। अब इसके कंपोनेंट्स देखेंगे अगले चैप्टर में, दृष्टांत कौशल में अगला अपन कंपोनेंट्स देखेंगे। तो स्किल ऑफ इलस्ट्रेटिंग विद एग्जांपल्स में कंपोनेंट्स हैं, घटक हैं, पहला है आपका
दृष्टांत सुगम एवं सरल हो। सुगम एवं सरल कैसे हो कि जो भी आप पाठ स्टार्ट करें क्लास में जाके कक्षा में जाके विद्यार्थियों को आप पाठ पढ़ाते हैं तो आप जो भी उदाहरण दें तो यदि आप उदाहरण दे रहे हैं मीन्स आगमन विधि का यदि आप उपयोग कर रहे हैं यहाँ पे तो वो उदाहरण कैसे होना चाहिए सरल होना चाहिए। और जो भी चित्र आप लेकर आए हैं एक स्लाइड में दिखा रहे हैं या फिर आपने ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड में जो भी चित्र बनाए हैं तो प्रत्येक चित्र पे पॉइंटर रखकर आप एक एक चित्र को पूरा शब्दों सहित व्याख्या करते हुए आप विद्यार्थियों को समझाएंगे। ठीक है, आगे दृष्टांत उदाहरण विचार नियम अथवा ये संप्रत्यय से संबंधित है। आप जो भी उदाहरण बता रहे हैं चाहे आप कहानी के थ्रू बता रहे हैं किसी और घटना के प्रति आप बता रहे हैं जो भी आप उदाहरण बता रहे हैं वो सारे उदाहरण आपके कैसे होना चाहिए उस पाठ या उस सिद्धांत उस संप्रत्यय से जो आप पढ़ा रहे हो उससे क्या होना चाहिए संबंधित होना चाहिए। और दृष्टांत प्रशंसित हो मतलब कि सुनने में अच्छा लगे और वो समझ में आए। अगला है उदाहरण रोचक हो। उदाहरण आप जो भी संप्रत्यय से संबंधित या पाठ से संबंधित आप उदाहरण बता रहे हैं तो वो उदाहरण कैसे होना चाहिए रोचक होना चाहिए ताकि बच्चों का मन लगा रहे पढ़ने में। अगला है पांचवा, इन उदाहरणों दृष्टांतों के लिए उचित माध्यम का उपयोग किया जाए। तो उचित माध्यमों का उपयोग कैसे किया जाए कि आप यदि आप उदाहरण बता रहे हैं तो आप जिस घटना जिस कहानी जिस चीज का पाठ से संबंधित आप व्याख्या कर रहे हैं वो कैसा कहानी की लाइन में बता रहे हैं उदाहरण तो उतार चढ़ाव होना चाहिए। कोई चित्र दिखा रहे हैं तो उस चित्र में पॉइंटर के द्वारा हाथ रखते हुए या किसी भी तार्किक तरीके से आप उसको व्यवस्थित रूप से उस चित्र को दिखाकर आप अपनी व्याख्या करें उस पाठ से संबंधित और आगे समझाएं। आगे इनका उपयोग उचित विधि से किया जाए। इनका उपयोग उचित विधि से किया जाए जैसे कि आप कंपोनेंट्स घटक के तहत आपको माध्यम के तहत दो विधियां बताई गई थी उन दो विधियों के नाम क्या थे शाब्दिक और अशाब्दिक। नहीं शाब्दिक और अशाब्दिक तो माध्यम थे बाकी उनकी जो विधियां पूछ रही हूँ मैं आगमन विधि और निगमन विधि थी ना कौन कौन सी मेथड थी क्या नाम था मेथड का इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड है ना इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड तो उनके थ्रू आपको उचित विधि का क्या करना है प्रयोग करना है और उस विधि के माध्यम से तो वो जो विधियां थी वो क्या बताती थी कि पहले आप उदाहरण बताओ फिर पाठ पढ़ाओ या पहले आप पाठ या सिद्धांत पढ़ा दो फिर उदाहरण बताओ। लेकिन उन सब के बीच क्या शर्त थी कि आप जो भी संप्रत्यय उदाहरण जो भी पहले आप पढ़ा रहे हो लेकिन वो होना कैसे चाहिए उस पाठ या सिद्धांत से संबंधित होना चाहिए। तो ये यहाँ पे कंपोनेंट्स पूरे कंप्लीट हो गए हो अब इसकी तालिका देखेंगे।